Hey guys, what's up? Good morning. And अभी बज रहे हैं 11 सुबह की दिल्ली में. तो आज मैं जाने वाली हूँ एक ट्रिप पे. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था कि मैं एक ट्रिप पे जाने वाली हूँ, बट लोकेशन मैं अभी भी रिवील नहीं करूँगी. सो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा. एंड इट्स डे वन. आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आज फाइनली एक ट्रिप पे जा रही हूँ, मतलब पहाड़ों पे जा रही हूँ. एंड एज यूजुअल मैंने पैकिंग अपनी नहीं करी है, बिकॉज मैं लास्ट डे पैकिंग करती हूँ. और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लेके जाऊँ, बिकॉज इतने सारे कपड़े ट्रिप पे लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है. एंड दो तीन कपड़ों में से ये समझ नहीं आता यार सेलेक्ट करके कौन सा रखूँ. सो पता नहीं, दिखाती हूँ मैं अभी तक सेलेक्ट ही कर रही हूँ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन से कपड़े रखूँ. सो स्टे. सो गाइस, दिस इज माय पैकिंग बैग जो मेरे को मेरे भाई ने रक्षाबंधन पे गिफ्ट करा था. एंड इस पे लिखा हुआ है बी वाइल्ड एंड फ्री. ये मैं लेके जा रही हूँ, ट्रैकिंग बैग है, क्योंकि बिकॉज हमारा प्लान है कोई ट्रैक करने का. एंड वो पता नहीं अभी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. सो इसमें मैं अपना सारा स्टफ रखने वाली हूँ. सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपनी अलमीरा के पास, जिसमें बहुत सारे सर्दियों के कपड़े दिख रहे हैं. बट मुझे अभी तक नहीं क्लियर हो रहा है कि मैं कौन से कपड़े लेकर जाऊँ, बिकॉज सबको अच्छा लगना होता है और सारे कपड़े ऐसे लगते हैं कि उस टाइम पे सभी अच्छे हैं. तो अब इसमें से कौन से रखें कौन से नहीं रखें. एंड एज यू नो कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम लगेज कैरी करना होता है. सो गाइज, फाइनली मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा एक टफ चैलेंज था. एंड ये देखो गाइज, इतने सारे कपड़े मैंने निकाले हैं और मेरे पास एक छोटा सा ट्रैकिंग बैग है जिसमें मैं कपड़े ठूसने वाली हूँ. मम्मा ने स्पेशली मेरे लिए लड्डू भी बनाया है. एंड ये लड्डू मेरे साथ ट्रिप पे जाने वाला है, प्योर देसी घी के. सो गाइज, हम लोग ट्रिप पे निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं. एंड अभी एक मेरा फ्रेंड आ रहा है और मम्मा ने बना दिया है पूरी, जो कि मतलब फिक्स है. हम लोग कभी भी ट्रिप पे निकलते हैं तो ये पूरी हमारे साथ जाती है ट्रिप पे. एंड इस पूरी के मज़े ही अलग होते हैं, बस में बैठ के या फिर ट्रेन में बैठ के खाने के लिए. ऑलमोस्ट हर ट्रिप पे ये साथ होती है. एंड आज तो मम्मी ने लड्डू भी बनाए हैं साथ में, जो कि बन रहे हैं स्पेशली मेरे लिए. दो दिन की ट्रिप के लिए मैं इतना सारा खाना पीना लेके जा रही हूँ, साथ में लड्डू भी जा रहे हैं मेरे. और फिर थोड़ी देर में मैं अपना ट्रैकिंग बैग लेके नीचे आ जाती हूँ. एंड फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ. काफ़ी टफ होता है ट्रिप से निकलने से पहले अपनी फैमिली को बाय बोलना. तो वहाँ पे अपना खाना पीना करके मैं एक दो रील्स के शॉट लेके अपना बाहर की तरफ निकल रही होती हूँ, बस बोर्ड करने के लिए. हे गाइस, हम लोग बाईपास पहुँच चुके हैं अभी. एंड अभी हम लोग अपना बस का वेट कर रहे हैं. एंड हमारे साथ आ चुके हैं मेरा एक फ्रेंड, जिसके साथ मैं ये पूरी की पूरी ट्रिप करने जा रही हूँ. He's Aman and ये पूरी ट्रिप में हमारे साथ रहने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड, अभी हम लोग बस बोर्ड करेंगे. पल ट्रैवल से हमने पल ट्रैवल से अपनी बस बुक करी है एंड अभी उसका वेट कर रहे हैं. वो आधे घंटे लेट है, हम आधे घंटे पहले हैं, मुझे नहीं पता, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वेट तो करना ही पड़ेगा. सो स्टे ट्यून्ड. कहाँ चल लूँ? बस पकड़ ले, छूट जाएगी बस. बस आधे घंटे लेट है हमारे, और अभी हमें यहाँ पे अकेले टाइम पास करना पड़ेगा. हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. कसौल जा रहे हैं हम फाइनली. एंड स्पेशली बैंगलोर से इस बार कसौल के लिए आए हो क्या? हाँ, अभी बस फ्लाइट पकड़ी है बस. बैंगलोर कसौल जाने के लिए? कसौल की डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं एक्चुअली. अभी डू दैट टू. कोई नहीं, मेरे चढ़ते हुए लेना है मेरे को. अभी बैठ चुके हैं बस में एंड बस काफ़ी क्लीन है और काफ़ी नीट भी है. और हमारी बैक साइड वाली सीट है यहाँ पे. मैंने विंडो सीट पहले ही अपने लिए बुक कर ली थी, बिकॉज मेरे को बाहर का भी शूट करना था. तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद ही मूलगढ़ साइड पे हम लोग रुकने वाले हैं फॉर दी डिनर. एंड फिर वहाँ पे जाके मैं आपसे मिलती हूँ. कंफर्टेबल हो सीट पे? अब हो
मेरे को तो बहुत ही परेशानी हो रही है। ऐसे ही होता है, एक तो बैक सीट हमें मिली है और ऊपर से हिले जा रही है, हिले जा रही है, हिले जा रही है। लास्ट की सीट लोगे तो यही होगा। बट ठीक है, बस थोड़ा सा फायदा हमें वॉल्वो तक का ही हुआ है कि हमने वॉल्वो कर लिया। मैं तो HRTC की बस बुक करी थी। देखो कुछ और पहुंचने से मतलब है, चाहे सीधे रास्ते जाओ चाहे चलो चल के जाओ। बट सोने में दिक्कत है। ये लेना 150 की भैया, एक मिनट ठहरो। जेएस के बाद चाहे रखता कौन है? पूरी विधवा कैसी है? मम्मी ने नहीं है, मम्मी को क्रेडिट दे दो। बहुत बड़ी है, बड़ी है उसमें। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ मूर्तल से थोड़ी दूर पे। मेरे को लगा था कि हम लोग मूर्तल रुकेंगे खाना खाने के लिए, एंड हमें ढाबे पे रुक चुके हैं, पीछे वाले ढाबे पे, जिसका खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है मेरे को। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा ही रोती रहती हूँ कि मेरे को खाना बहुत महंगा लगता है, एंड अमन को भी ऐसा लगा कि यहाँ पे खाना महंगा है, है ना अमन? खाना महंगा था ना? यस। तो हम दोनों को ही खाना महंगा लग रहा था। हम तो घर से लाई हुई पूरी जो मम्मा ने बनाई थी वही खा ली है हमने, एंड कुल्लड़ वाली चाय ली थी जिसको बहुत ही अलग तरीके से उसमें डाला जा रहा था। थोड़े में दर्द हो गए मुझे, बोल बोल काश मैंने इसको लिख के दे सबको। जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में दिखाया ही है, और अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। बस कभी मैंने फुल लुक दिखा दिया था, पीछे वाली सीट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। आगे वाली सीट तो फिर कंफर्टेबल है, और हमें फ्री में ब्लैंकेट भी मिले हैं जिसको लेके हम लोग पूरे रास्ते ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से अपने कसौल की जर्नी काट सकते हैं। और फिर हमारी बस रुकती है मंडी पे, जहाँ पे हम अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होता है। उसके आगे बस सीधा रुकती है परशैनी, आई गेस, सॉरी आई डोंट नो कहाँ रुकती है। बोलूँगी आपने मेरा वेट भी नहीं किया और आपने आधा परांठा भी खा लिया, साथ में चाय भी पीनी। बस निकल जाएंगे, फटाफट करो। देखो अभी भी खाने पे फोकस हो सारा। यार आप हर जगह लेट क्यों कर देते हो यार, फटाफट करो, इतने धीरे खाते हो। हम ना जिस बस में बैठे थे वो मनाली तक के लिए जा रही थी, तो उन्होंने हमें बीच रास्ते में उतार दिया भुंटर की साइड, जहाँ से उन्होंने हमें प्राइवेट टैक्सी करा के दी। हमारे एक भी पैसे नहीं लगे बिकॉज उनकी तरफ से ही थी, बिकॉज वो मनाली की बस थी, तो अलग अलग टैक्सी में उन्होंने बाकी पैसेंजर्स को कसौल के लिए भेजा गया था यहाँ से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल, और अभी बज रहे हैं 7:30 एंड हम लोग आ चुके हैं गूगल मैप्स की वजह से एक गलत रास्ते पे। उसकी वजह से हमें 1 किलोमीटर अगेन वॉक करके अपने कैंप के पास जाना पड़ेगा। तो अब जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी आपको इन्फो देनी है, वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। सो ऑल्सो गाइस, कसौल हम लोग कैसे पहुँचे हैं
एंड यहाँ पे कैसे कैसे कन्वेंस आपको मिल सकता है उसकी भी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। एंड कैंप की जितनी भी डिटेल्स हैं, स्टे का है, इन वो भी आपको नेक्स्ट ही वीडियो में मिलेगा। बाय।